हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड मैं हाजिर हूँ फिर से एक फ्रेश क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो के साथ। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद से मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि क्या है भाई, क्या है वो, क्या है क्या। तो अब ये वीडियो में मैं रिवील करूंगा कि वो क्या सरप्राइज है, और जो भी है गाइस आप लोगों के लिए काफी अच्छा चीज होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये पहले मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मेरे रोज के वीडियोस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक या फिर महीने में एक वीडियोस देखते हैं, जो रोज के रोज वीडियोस देखते हैं उनके लिए ये फायदा होने वाला है और बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहले बताता हूँ कि गिफ्ट क्या होगा। गिफ्ट ये है गाइस कि आपको हर महीने, ठीक है, हर महीने अब से, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी, फरवरी में कंटिन्यू हर महीने एक विनर को, एक, यस, वन सिंगल विनर को मैं 2500 जेम्स गिफ्ट करूंगा हर महीने। अब गाइज ये होगा कैसे, 1599 रुपीज़ का ये पैक है। मैं हर महीने एक मेरे सब्सक्राइबर या फिर एक मेरे रेगुलर व्यूअर को गिफ्ट करूंगा। अब कैसे आप जीत सकते हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैं कैसे जीतूंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइज, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, आप अच्छे से सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। नंबर वन, देखिए अब से क्या होगा, कल से, आज से तो नहीं, कल से मेरे हर वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा। वो कहीं भी आ सकता है, शुरू में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, हर वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड। हाँ, क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड, जैसे टाउन हॉल 12 कब आया था, कौन से डेट में आया था, या फिर टाउन हॉल 10 कौन से डेट में आया था, बोलर कब आया था, या फिर वगैरह वगैरह, जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं मैं करूँगा हर वीडियो में। और आप लोगों को क्या करना है, वो हर क्वेश्चन का आंसर देना है। अब जो महीने में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देगा वो विनर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन मेरे को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे, हो सकता है ये। तो अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आज के वीडियो में आपको आज ही कमेंट करना पड़ेगा। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कोई एक बंदा महीने के 29 डेज एक भी वीडियो नहीं देता है, फिर 30 तारीख को एक वीडियो देखता है और उसको पता चलता है कि कुछ ऐसा कंपटीशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फिर बैकडेटेड सारे वीडियोस देखेगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में डाल देगा। सो ये अनफेयर है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए अनफेयर है। इसीलिए आपको आज के वीडियो में आज ही कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कल कमेंट करते हो तो आप आज का जो पॉइंट है वो आपका माइनस हो जाएगा, मतलब आज के क्वेश्चंस का आंसर आपका मैं काउंट नहीं करूंगा। तो सबसे ज्यादा जो आंसर्स देगा वो विनर होगा। और हर हफ्ते गाइस, जैसे कि समझ लीजिए हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो हर हफ्ते मैं इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा कि कौन लीड कर रहा है, किसके सबसे ज्यादा पॉइंट है, किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तीन में रखूंगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो गाइस बहुत ही अच्छा है, कंपटीशन हो जाएगा आप लोगों के अंदर, और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे क्लैश ऑफ क्लैंस के, कि कब लॉन्च हुआ था, कब ये, कब वो, लेवल 7 के जायंट्स के हिट पॉइंट क्या होते हैं, ये वगैरह वगैरह, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं बीच बीच में डाला करूंगा। तो मेक श्योर कि गाइज आप हर वीडियो आज से देखें ताकि आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, उनके आंसर्स आप दें और आपको जीतने का मौका मिल जाए 2500 जेम्स हर महीने। अब गाइज एक छोटा सा चीज़ और ऐड करता हूँ। अब हो सकता है कि फेयरली, मतलब दो बंदा, कोई भी दो बंदा है, समझ लीजिए एक का नाम है अजय, एक का नाम है विमल, अब दोनों ने सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक तरीके से आंसर दिए हैं, मतलब रोज़ के आंसर्स रोज़ दिए हैं, अब क्या होगा। अब समझ लीजिए ऐसे महीने के अंत में मेरे को ऐसे 10 लोग मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो मैं कैसे विनर पिक करूंगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं एक लाइव वीडियो करूंगा, फेस वीडियो, ओके, मैं एक लाइव फेस वीडियो करूंगा और उन 10 लोगों के नाम, जिन 10 लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक आंसर करें, उनको मैं एक उनके नाम में कागज में लिख के एक टोकन लॉटरी जैसा बनाऊंगा, आप लोगों के सामने एक जार में डालूंगा और वहां से रैंडमली एक नाम पिक करूंगा, जिसका नाम वहां पे पिक होगा वो विनर होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है गाइज आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ेदार बात है, 2500 जेम्स महीने के, मतलब अगर आप 3-4 विनर हो जाते हो, 3-4 बार अगर आप मेरा कंटेस्ट जीत लेते हो, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 10,000 जेम्स आ जाएंगे, तो बहुत ही अमेजिंग बात है। तो आज से गाइज फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम में भी, वहाँ पे आपको पोस्ट मिलेंगे, एंड उसी के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर देने हैं ताकि आपको पता चल जाए मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो चलिए गाइज अब ये तो टोटल मैंने बता दिया, अब अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी थॉट है, अगर कुछ भी डाउट है, तो मेरे को कमेंट्स में ड्रॉप करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और या फिर क्या वगैरह वगैरह, जो भी आपके मन में करता है। अब दोस्तों गाइज, जैसे कि मैं लास्ट 2-3 वीडियोज़ में आपको टैग्स दिखा रहा था वॉर के, जो हमारे
सारे रिकैप्स दिखा रहा था, वहां पे बहुत लोग बोल रहे थे भाई आप टाउन हॉल 9 के अटैक्स क्यों नहीं दिखा रहे हो और 10 के अटैक्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तो गाइस देखिए 9 के अटैक्स तो मैंने बहुत दिखाए हैं, 10 के भी मैं फ्रीक्वेंटली दिखाता रहता हूं। तो चलिए अभी जो लास्ट वॉर बीता है वो भी काफी अच्छा था, इतना हार्ड टफ मतलब कंपटीशन तो नहीं था बट फिर भी हमने आराम से ये वॉर जीता और एक ही बेस बच गया था, ये नंबर वाला 3 नंबर वाला बेस जिसके ऊपर 99% स्कोर हुआ था। मैं इसके ऊपर अटैक करता बट लास्ट में ऐसा देखा, हमने सिचुएशन ऐसा बन गया था कि लोअर बेसिस क्लियर नहीं हुए थे और कुछ बंदे ने अटैक भी नहीं किए, तो हमें लगा कि भाई डिप करना ही अच्छा होगा क्योंकि हम लोग सेफ खेलते हैं, हमें तब तक पता ही नहीं था कि ये लोग अटैक नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक टाउन हॉल 10v10 और 2 टाउन हॉल 9v9 अटैक दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहला जो 10v10 अटैक दिखाऊंगा वो मैं नील का दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे अटैकर है नील और ये है बेस। इस बेस में मैंने भी अटैक किया था अपने गेम चेंजर से जो कि टाउन हॉल 10 का अकाउंट है, 99% हो गया था अटैक, सिर्फ टाउन हॉल बच गया था और इस बंदे ने पूरा क्लियर किया बेस को। तब देख सकते हैं 2 बेबी ड्रैगन से इसने फनल क्रिएट किया और जो आर्मी है उसकी वो बेसिकली हॉग्स के ऊपर डिपेंडेंट है और हॉग्स के ऊपर ही ज्यादा अटैक सभी कर रहे हैं आजकल मेरे क्लैन में, पता नहीं सबको क्या चस्का चढ़ी है हॉग्स का। तो चलिए यहाँ पे किंग क्वीन को ड्रॉप कर दिया गया है उसी के साथ सीसी के, सीसी नहीं इसके अपने बोलर से, सो बहुत खूब बहुत अच्छे से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जो एम है वो हीरोज हैं और सीसी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हीरोज और सीसी मिल जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही ईजी हो जाता है ये अटैक को परफॉर्म करना। सो यहाँ पे रेज स्पेल का यूज कर लिया गया बट बोलर थोड़े इधर उधर चले गए, सीसी में क्या था मेरे को एग्जैक्टली दिख तो नहीं, बोलर्स ही थे शायद से, यस बोलर्स ही थे। सो बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, उसके बाद हॉग्स यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया था, वैल्क्रीज में लेके आया था ताकि ये जो कोर आप देख सकते हैं टेस्ला टावर, इसे टेस्ला फार्म जो था उसे क्लियर कर दिया था मेरे वैल्क्रीज ने, बट हॉग्स क्या हुआ था मेरे केस में बहुत फैल गए थे, इसके वजह से मैं वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया बेस, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मार्च कर रहे हैं बेस में और यहाँ पे एक टेस्ला फार्म तो था, यहाँ पे एक विजर्ड टावर का फार्म भी था बोल सकते हैं, विजर्ड टावर का फार्म या फिर कुछ भी, तो विजर्ड टावर का फार्म कैसा साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे विजर्ड टावर के इस ग्रुप के सामने एक हील और डाल दिया गया, डालना भी चाहिए क्योंकि 4-4 विजर्ड टावर के स्प्लैश का डैमेज जो है वो झेलना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके बाद बेस में कुछ खास बचा नहीं। क्लीन अप के लिए यहाँ पे कुछ विजर्ड्स और गॉब्लिंस वगैरह पड़े हुए हैं और एक फाइनल हील भी जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसके बाद बस एक इन्फर्नो है जो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, एक आर्चर टावर और एक हिडन टेस्ला। सो जैसे कि मैं थोड़ा क्लीन अप करके आपको दिखा देता हूँ, फास्ट प्रोसेस कर देता हूँ मैं थोड़ा सा और ये बेस जो है आराम से क्लियर हो जाना चाहिए, नंबर फास्ट फॉरवर्ड और कर देते हैं हम लोग ताकि ये बेस जितना जल्दी हो सके फटाफट क्लियर हो जाए। तो गाइज ये एक टाउनल 10v10 अटैक था और भी टाउनल 10v10 है बट इतने सारे अटैक्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितने भी ज़्यादा अटैक्स हैं सारे के बेसिकली बोविच हैं या फिर विच के ऊपर अटैक्स हैं या फिर हॉग्स के ऊपर अटैक हैं, मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए जो नेक्स्ट अटैक मैं आपको दिखाऊंगा 2 टाउन हॉल 9v9 दिखाऊंगा क्योंकि आप टाउन हॉल 9v9 देखना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए कहाँ पे है पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा, अच्छा थोड़ा ऊपर होगा, तो ये रहा गाइस ये है फर्स्ट टाउन हॉल 9v9 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा बेस डिज़ाइन था और जो स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ करी गई है वो विस स्लैप, क्योंकि विस स्लैप बहुत ही एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है अगर आप टाउन हॉल 9 के प्लेयर हो, आपको पता होगा अगर आपको कहीं भी दिख रहा होगा कि जो एयर डिफेंसेस है एनिमी के एयर डिफेंसेस है वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है मतलब बेस के बहुत ही सेंटर में है, तो विस स्लैप बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि आपके विचेस जो होते हैं आपकी जो हीलर्स होते हैं विचेस के ऊपर वो मरते नहीं है क्योंकि एयर डिफेंस बहुत दूर रहते हैं और बाकी ट्रूप्स बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। यहाँ पे एक गोलम यूज़ करा गया है, मैं कभी कभी पिकअप भी यूज़ कर लेता हूँ बट गोलम भी ठीक है, पिकअप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका टैंक जो है वो भी ठीक ठाक है और चीज़ों को वो अच्छे से डिस्ट्रॉय भी करता है, लेवल 4 का तो पिक आ चुका है लेवल टाउन हॉल 9 में, बहुत दिन हो गया आए हुए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सीसी से यहाँ पे ड्रैगन्स वगैरह निकले, ड्रैगन और 2 बलून निकले हुए हैं और पॉइजन के अंडर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। क्वीन अंदर एंट्री ले चुकी है, बोलर्स अंदर एंट्री ले चुके हैं और बहुत सही चल रहा है गाइस अभी तक, तो अटैक बहुत सही चल रहा है। हील स्पेल भी यूज़ कर लिया गया है और साइड से विचेस अच्छा क्लीन अप कर रहे हैं। अच्छा इस साइड के सारे विचेस खत्म हो गए या फिर सेंटर में आ गए मेरे को नहीं पता बट इस साइड के विचेस जो हैं वो अभी भी बाहर से अच्छा काम कर रहे हैं, 4 के 4 विचेस हैं यहाँ पे। सो इतने सारे विचेस अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत फिर मुश्किल हो जाता है अटैक को रोकना। और स्केलेटन्स आप स्केलेटन्स को देख सकते हैं गाइस बहुत ही तेज अटैक करते हैं और एक बार अगर उनका झुंड बन गया और कोई स्प्लैश में डैमेज नहीं हुआ तो फिर भाई अटैक को रोक पाना तो नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक दो विजर्ड टावर है बेसिकली और उसी के साथ में बोलर्स अभी भी अच्छा काम किए जा रहे हैं। क्वीन की एबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है, अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इस बेस में कुछ ऐसा कुछ खास बचा नहीं है जिसके मतलब बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है इस बेस में। सो क्लीनअप का प्रोसेस जो है वो फटाफट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक आर्चर भी रखा गया था इंटैक्ट ताकि बाद में क्लीनअप प्रोसेस के काम आए, बहुत खूब। और ये लास्ट कुछ ट्रैश बिल्डिंग है जिनको डाउन करते ये बेस जो है वो 3-स्टार हो जाएगा, तो ये एक और 3-स्टार था बहुत ही अच्छा प्यारा 3-स्टार। और विस्लैब का क्या कहना है गाइस, टाउन हॉल 9 में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है विस्लैब
और उसी के साथ गाइज एक अटैक और आपको दिखाना चाहूंगा नंबर 15 के ऊपर आई गेस। ये भी सेम स्ट्रेटजी थी और ये बेस जो था वो काफी मैक्स बेस था, आप देख सकते हैं, और बहुत ही कंजेस्टेड बेस था। तो यहाँ पे भी विस्लैप किया गया है और चार चार विचेस दोनों साइड में यहाँ पे ड्रॉप किया गया, उसके साथ हीलर्स जैसे कि यूजुअली होता है। और उसके सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज जो वॉल्स के जो कंपार्टमेंट्स ऐसे थे कि डबल जंप यहाँ पे यूज करा गया, क्योंकि जंप्स का जो वैल्यू है वो काफी हाई मिला यहाँ पे। आप देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे किंग स्क्वाड डिप्लॉय होता है, जो एक गोलम है यहाँ पे, एक गोलम डिप्लॉय हुआ, उसी के साथ किंग हीरोज डिप्लॉय हो गए हैं, उसी के साथ आई गेस एक विच यहाँ पे पड़ी थी और सीसी के बोलर्स, दोनों साइड में बहुत ही अच्छा प्रॉपर फनल क्रिएट हो गया था। तो अब ट्रूप्स को तो अंदर ही जाना था, बाहर तो जा नहीं सकते थे, और यहाँ पे जंप स्पेल का फर्स्ट जंप स्पेल का यूज यहाँ पे हुआ और अपने सारे ट्रूप्स जो हैं वो सेंटर में भागने लगे। सीसी से फिर से वही घिसा पिटा, एक ड्रैगन और दो बलून निकले जो कि आराम से टेकडाउन कर लिए जाएंगे, ज़्यादा कुछ इशू नहीं होता इन सारी चीज़ों को टेकडाउन करने में। इससे अच्छा तो है आप बेबी ड्रैगन वगैरह यूज करो, बेबी ड्रैगन विचेस कभी कभी बहुत ज़्यादा अनॉइंग हो जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे ठीक था पूरा जो सीन है। और सेकंड जंप स्पेल वो भी यहाँ पे यूज करा गया और काफी अच्छा वैल्यू मिल रहा है गाइस यहाँ पे स्पेल्स के। और यहाँ पे टेस्ला फार्म वगैरह निकला तो हील भी कर दिया गया, स्पेल्स का जो यूज था वो काफी अच्छा था यहाँ पे। और दोनों साइड से विचेस देख रहे हैं कितना अच्छा काम करे जा रही है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में, और सेंटर के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने तो कूर को पूरा साफ कर डाला है। सो गाइस बहुत ही अच्छी पावरफुल स्ट्रेटजी, आपको पता होगा मैक्सिमम टाउन लाइंस यूज भी करे होंगे और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, खास करके जब एयर डिफेंस सेंट्रलाइज होते हैं उन सारे बेसिस पे ये अटैक करना बिल्कुल ही सही होती है। तो गाइज ये एक और 3 स्टार होप श्योर कि आपको ये अटैक्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे होंगे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा क्लीन अप देख लेते हैं, क्लीन अप देखने में किसी को मजा नहीं आता। तो ये हो गया हमारा जो बेस है वो क्लीन और एक और 3 स्टार। तो गाइज होप श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए, जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको, आप लोगों के लिए कंटेस्ट रख रहा हूँ, तो होप श्योर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे और भर भर के क्वेश्चंस के आंसर दोगे। कल से शुरू होगा और बस 2500 जेम्स बहुत होते हैं। सो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।